नमस्कार दोस्तों, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे शरीर के आंखें कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। किसी भी इंसान के जब आंखें खो जाती है तो उसे पता चलता है कि आंख हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग आए हैं बिष्टुपुर में, कमानी सेंटर में, अंसारी एंड अंसारी आई क्लिनिक है। आप घबराइए नहीं, नीचे में लिफ्ट है, लिफ्ट का यूज कीजिए, सेकेंड फ्लोर आइए, जहाँ आँखों की विशेष देखभाल की जाती है, विशेष टेस्टिंग की जाती है। तो इसके बारे में विशेष रूप से हम जानेंगे यहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अभिमन्यु सिंह जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा हमें बताइएगा कि यहाँ जो लोग आते हैं या जो लोग आएंगे जी सर, उन्हें क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देने का आप लोग के पास यहाँ पर जो है संसाधन उपलब्ध है? ये हमारा अंसारी आई क्लिनिक जो है वो पिछले 35 ईयर से ये हम लोग आई सर्विस कर रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर कमानी सेंटर में है और हम लोग का जो टेस्टिंग का जो पैरामीटर है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी के थ्रू आप देख सकते हैं कि 6 मीटर डिस्टेंस पे होता है। और दूसरा जो हम लोग का टेस्टिंग है वो हम लोग रेटिनोस्कोपी टेक्निक से करते हैं सर, जिससे कि पेशेंट का पावर में एरर होने का जो चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तीसरा जो हमारा है वो है एम्ब्लेपिया ट्रीटमेंट सर। एम्ब्लेपिया ट्रीटमेंट बोलते हैं कि जिनका रोशनी में सुधार नहीं होता है उसको हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है और उसमें विज़न में इन्हेंसमेंट होता है। और फोर्थ अभी जो आप बहुत कॉमन सा एक्सीडेंट देख रहे होंगे प्रॉब्लम सर, जो अभी कमजोर लोग बहुत यंगस्टर्स जो हैं जिनका मोबाइल कंप्यूटर ये सब पे एक्सपोजर ज़्यादा है, उनके लिए हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है वो, उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं जो हमारा स्पेशलिटी है। अच्छा, अभी हम लोग हेडेक में भी अभी एक आम समस्या बना हुआ है सर। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं तो वो हेडेक के लिए वो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं सर, पेन किलर्स, जो धीरे धीरे उनके बॉडी को काफ़ी डैमेज करता है। उसके लिए हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फॉगिंग टेक्निक से करते हैं, कुछ थेरेपीज़ है जिसको हम लोग करवाते हैं और पेशेंट को मतलब नॉन बिना दवाई का, हाँ, उनको सिम्टोमेटिक दवा से छुटकारा मिल जाता है, दवा से छुटकारा मिलता है सर। ये हमारा एक स्पेशलिटी है सर। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे माहौल, पूरे समाज में हम लोग देखते हैं कि बच्चे एकदम छोटे से ही आज मोबाइल देखना शुरू कर दिए हैं जी। कंप्यूटर ज़्यादा देखते हैं, जब भी कॉलेज स्कूल गया तो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के बिना ये दुनिया चल ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चों को भी जो है आँखों की बीमारी से परेशान होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप लोग जो यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए आपके पास क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है? हम लोग सर, ये आप एकदम बहुत सही सवाल उठाए हैं, इसके थ्रू एक अवेयरनेस का मैसेज जाएगा लोगों में। ये आज आम समस्या बना हुआ है सर ये, कि कंप्यूटर, फ़ोन ये सब का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इससे एक तो उनका रेटिना जो होता है, रेटिना डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जो आज लोगों को पता नहीं चल रहा है। और दूसरा एक तरह का एडिक्शन है और ये समस्या बहुत आम सा हो गया है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है सर, उसके लिए हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज हम लोग के पास अवेलेबल है और डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करवाते हैं 25 सेंटीमीटर, जो नियरेस्ट वर्किंग डिस्टेंस होता है वो है। और थेरेपीज़ हम लोग करवाते हैं सर, जो उनको बहुत रिलीफ मिलता है जिससे। अच्छा, और पैचिंग थेरेपी भी है सर, उसमें एक एडेड है पैचिंग थेरेपी। पैच मतलब होता है कि आँख को बंद करके ट्रीटमेंट करना। और एक पेंसिल पुशअप टेस्ट होता है सर, जैसे हम लोग जिम जाते हैं शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ पकड़ता है, फिर बाद में अच्छा हेल्थ बनता है। तो ये पेंसिल थेरेपी से क्या होता है, उनका जो दोनों आँख का जो आई मसल्स है वो एक साथ स्मूथली काम करने लगता है और उनको फिर आराम मिलता है। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, जो हमारा क्लिनिक का बहुत ही अलग स्पेशलिटी है, जो आमतौर पर अब यहाँ बहुत लिमिटेड लोग ही वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फॉरेन बॉडी रिमूवल सर। आप देखते होंगे कि जो वेल्डर्स होते हैं, जो आयरन को वेल्डिंग करते हैं, अच्छा, जिनका डस्ट में काम ज़्यादा होता है, तो वो फॉरेन बॉडी जो है वो कॉर्निया के साथ जाके आँख के साथ चिपक जाता है, तो उसका हम लोग रिमूवल करते हैं यहाँ पे, बहुत सिस्टमेटिक वे में करते हैं। पेशेंट को तुरंत आराम होता है, हफ्ता दिन तक उसके लिए मेडिसिन वगैरह चलता है सर। और सर, हमारे क्लिनिक का एक और भी एक एडेड फीचर क्या है जिसको हम लोग बोलेंगे, वो है प्रोस्थेटिक आई, आर्टिफिशियल आई। बहुत कम लोग ही हैं सर, लेकिन हैं ऐसे समाज में जिनका किसी न किसी कारणवश से आँख चला गया तो आँख उनका निकल जाता है और उनका चेहरे का जो लुक है वो कॉस्मेटिकली बहुत अगली वो हो जाता है सर। तो उसके लिए हम लोग के पास आर्टिफिशियल आई, उसको प्रोस्थेटिक आई भी बोलते हैं, वो इम्प्लांटेशन किया जाता है। अच्छा, उससे उनके चेहरे का लुक और फिर से कॉस्मेटिक लुक बहुत अच्छा हो जाता है।
नहीं दिखने में एकदम जी एकदम दोनों आँख मैच करेगा सर। अच्छा, दूर से अच्छा। आप नहीं पहचान सकेंगे। आमतौर पे सर जो पेशेंट है, जो मोस्टली पेशेंट है, वो आते हैं अभी रेनी सीजन्स में, वो है कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट होते हैं सर, जो आँख का लालीपन होता है, आँख से पानी आना, ये होता है। दूसरा हमारा है सर कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हम लोग ओपेसिटी ऑफ लेंस बोलते हैं। लेंस में धुंधलापन आता है जो कि अर्ली स्टेज में होता है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं सर, और पावर से ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर मैच्योर स्टेट में होता है तो हम लोग फिर उसको रेफ़र करते हैं। और थर्ड जो है सर वो है ग्लोकोमा, विच इज़ इंक्रीज इन ऑफ आईज प्रेशर, एंड सच इंक्रीज ऑफ आई प्रेशर, एक बार अगर विजन लॉस हो गया तो विच कांट बी रिगेंड, जो वापस नहीं रिगेंड नहीं हो सकता है। नहीं, जो बचा हुआ उसको हम लोग बचा सकते हैं सर। यहाँ का एक बहुत ही बोलेंगे रफ लैंग्वेज में कि बहुत ही बेकार बीमारी है, इसलिए इसका स्पेशल ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। जी जी, स्पेशल ख्याल रखना इसका जरूरी है सर। दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुनी और हमें ये पता चला कि बहुत सारी बीमारियों के इलाज जो आँखों से रिलेटेड है यहाँ किया जाता है। तो आप बेधड़क बिष्टुपुर आएँ, अपना आँखों का ट्रीटमेंट कराएं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है और 100% भरोसा है कि आपका इलाज यहाँ बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा। आप निराश होकर यहाँ से नहीं जाएंगे।